हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसी का एक ये टॉपिक है एंड दैट टॉपिक फॉर द डे इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में चेंज होना। किसी चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लक्चुएशन। तो जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि वैल्यू है वो कम हो जाए या फिर हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए। तो दोनों ही केस में क्या होगा? फ्लक्चुएशन, वैल्यू चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? व्हाई वी क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? सो हमने पढ़ा कि फ्लक्चुएशन क्या होता है, चेंज इन वैल्यू। हम कौन सा रिजर्व बना रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम ये क्यों बनाएंगे? ये हम रिजर्व बनाएंगे टू मीट द चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। किस लिए बनाएंगे? टू मीट द चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए, कम हो जाए। तो हम नॉर्मली रिजर्व क्यों बनाते हैं? फॉल के लिए। तो हम इसको क्यों बना रहे हैं? टू मीट द चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अब इसको बनाते कहाँ से हैं हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहाँ से बनाएंगे? कहाँ से बनाते हैं हम रिजर्व्स को? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएशन करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं और क्या करते हैं? रिजर्व्स बनाते हैं। क्या करते हैं? रिजर्व्स बनाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब क्या कर रहे हैं, जब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या करेंगे? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें वो क्या लिखते हैं? जो सारी की सारी एसेट्स हैं और जो सारी की सारी लाइबिलिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू नोट करते हैं। क्या करते हैं? उनकी मार्केट वैल्यू। तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारी फर्म की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में क्या होगा? फ्लक्चुएशंस होंगी। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं? सो दीज फ्लक्चुएशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये फ्लक्चुएशंस कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की। कौन कौन सी? सपोज हमारी बुक वैल्यू क्या है? 1 लाख। हमने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी है 1 लाख। तो ये फ्लक्चुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो क्या हो जाए? वो रहे सेम। कितनी थी? 1 लाख थी और अभी भी कितनी है? 1 लाख। मींस हमारी बुक वैल्यू भी थी 1 लाख और हमारी मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 1 लाख। या फिर क्या हो सकता है? या फिर हो सकता है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो जाए। बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू सपोज रह गई 80,000। क्या हो गया? मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। एंड हो सकता है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए, मोर देन बुक वैल्यू। मोर आर मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, सपोज इट इज 1,20,000। क्या क्या केसेस बने? नंबर 1, मार्केट वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। नंबर 2, बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। या फिर हमारी बुक वैल्यू है जो वो मार्केट वैल्यू से कम है। सो आर फर्स्ट केस नंबर 1, व्हेन आर बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? इक्वल है, सेम है। सपोज हमारी बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 1 लाख। तो जब हमारी बुक वैल्यू भी होगी 1 लाख और मार्केट वैल्यू भी होगी 1 लाख, तो क्या हुआ? नो फ्लक्चुएशंस।
नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। तो इस अमाउंट का क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू? जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा है उसका हम क्या करेंगे? नंबर वन, ये क्या है? रिजर्व है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सपोज हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसकी वैल्यू है 50,000, तो हम इसको क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं उनको ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। अब अगर हम इसको ख़त्म करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे? अभी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो हम इसको क्या करेंगे? रिवर्स क्या कर देंगे? डेबिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो किसको देंगे, किसको बांटेंगे हम इसको? क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? तो जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो कौन सा होगा? पार्टनर्स का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे हम इसको? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो। किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उनको हम किस रेशो में देंगे? ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनको रिजर्व्स अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सपोज अमाउंट कितनी थी? 50,000। सो 50,000 एंड 50,000, सो आर एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो केस नंबर टू, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो क्या है? बुक वैल्यू से कम है। मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। सपोज हमारी बुक वैल्यू थी 1 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 80,000। क्या हुआ? मार्केट वैल्यू कम हो गई, बुक वैल्यू 1 लाख है। अब हम क्या करेंगे इसको, जो इसकी नीड है हम वो कहाँ से पूरी करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। जो हमें 20,000 की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 जो हमारा चेंज इन वैल्यू है, चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें चेंज्ड वैल्यू लेनी है। इसकी नीड हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, कहाँ से फुलफिल करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। बट यहाँ पर भी हमारे तीन केसेस हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। कौन कौन सी? नंबर वन, व्हेन चेंज इन वैल्यू क्या है? लेस देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब जो हमारी वैल्यू में चेंज हुआ उसकी अमाउंट क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। सपोज यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया है सपोज 50,000, हमारे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व है 50,000 का, बट जो वैल्यू चेंज हुई वो ओनली कितनी हुई? 20,000। हम यहाँ चेंज इन वैल्यू की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा चेंज आया वो कितने का आया? वो हुआ 20,000 का, विच इज लेस देन 50,000। पॉसिबिलिटी नंबर टू, जो चेंज इन वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो उसकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। तो जब इक्वल होगी तो क्या होगा?
इट मीन्स कि हमारा चेंज इन वैल्यू भी 50,000 है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो था ही 50,000। तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई कि जो चेंज इन वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, एंड जो हमारा चेंज इन वैल्यू है दैट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व तो था 50,000 का, बट जो चेंज इन वैल्यू हो गई वो हो गई 60,000 की। सो चेंज इन वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना है हमें। पॉसिबिलिटी नंबर वन, चेंज इन वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स हमने क्या था, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50,000 का और जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, 20,000 का। सो दिस इज लेस देन 50,000। तो इस केस में हमें क्या एंट्रीज पास करनी है। तो जब हमारी वैल्यू में चेंज हो गया 20,000 का, हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, लेट इट वॉज ऑफ ₹1,00,000। तो इट मीन्स जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 80,000। चेंज कितने का है, 20,000 का, तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 80,000 कम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी वैल्यू पर शो करनी है, मार्केट वैल्यू पर। अपनी बुक्स में अब हमें आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कौन सी वैल्यू पर शो करनी है, बुक्स में 80,000 में। तो ये जो डिफरेंस था 20,000 का चेंज इन वैल्यू, उसको कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे हम उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, हमने ये बनाया ही क्यों है, सो दैट वी कैन मीट द चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसमें हमारा बैलेंस कितना है, 50,000, हम क्या करेंगे, 20,000 उसमें से ले लेंगे। क्या एंट्री पास हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जब हम इसमें से लेंगे तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। अभी कितना है, 50,000, हम इसमें से कितना ले रहे हैं, 20,000। क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 20,000, हमें कितने चाहिए, 20,000। क्रेडिट क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, 20,000 से कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट्स की अब बुक वैल्यू कितनी हो गई, पहले 1,00,000 थी, अब कितनी हो गई, -20,000, कितनी रह गई, 80,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 था, 20,000 हमने यहाँ से कवर कर लिया, कितना बैलेंस रह गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, 50,000 का था, 20,000 का जो हमारा चेंज इन वैल्यू था वो हमने यहाँ से कवर कर लिया, कितना बैलेंस बच गया, 30,000। तो इस 30,000 का हम क्या करेंगे, तो हम इस 30,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, सेम, इन देयर ओल्ड, टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो जब बांटेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, खत्म। क्या एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बच गया, 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो, किसको, टू ओल्ड पार्टनर्स, हाउ मच, सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी, तो ए बी और सी को, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ओल्ड वाला उसमें। तो यहाँ पर हमारी दो एंट्रीज हो गई, दो जर्नल एंट्री पास हो गई, नंबर वन, नंबर टू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना होगा टोटल, 30,000 ही होगा। तो हमारी यहाँ पर एक कंबाइन एंट्री पास हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 20,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000, टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो केस नंबर टू, जब क्या है, चेंज इन वैल्यू इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारा चेंज इन वैल्यू कितना है, 50,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कितना है, 50,000। इस केस में क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी सपोज पहले कितनी थी, 1 लाख। हमारी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कितने का है, चेंज इन वैल्यू कितनी है, 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कितने का है, 50,000 का। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें अब न्यू बुक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या शो करनी है, 50,000। तो जो 50,000 है, जो इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख पर शो हो रही है, उसको क्या करना है, हमें कम करना है, क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी क्या है, वैल्यू 1 लाख है, उसको हमें कितना लेकर आना है, 50,000। तो क्या अमाउंट कौन सी क्रेडिट होगी, टू इन्वेस्टमेंट 50,000। तो जो ये 50,000 बच गए, वो कहाँ से लेंगे, जो चेंज इन वैल्यू है हमारे पास, चेंज इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज ऑल्सो ऑफ रुपीज 50,000। तो सारा का सारा कहाँ से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कहाँ से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, कितना, 50,000। सो आर एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और जो हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो क्या हो गया, पूरा का पूरा यूज हो गया। कितने का था, 50,000 का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था 50,000 का, हमने डेबिट भी कितना कर दिया, 50,000। तो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म। तो अब पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास कोई रिजर्व नहीं बचा। तो यहाँ पर हमारी एक ही एंट्री पास होगी, एंड दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कमिंग टू केस नंबर 3, चेंज इन वैल्यू इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 का, बट जो चेंज इन वैल्यू है वो कितनी हो गई, 60,000। सपोज हमारी बुक वैल्यू थी 1 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 40,000। तो चेंज इन वैल्यू कितना है, 60,000। तो जो ये अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हमें अपनी बुक्स में न्यू वैल्यू क्या शो करनी है इन्वेस्टमेंट्स की, दिस 40,000 न्यू वैल्यू। अब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस पर शो करनी है, तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स को कितने से क्रेडिट करना है, 60,000 से। इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट करना है, 60,000 से। डेबिट हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले हम इसको यूज करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है, 50,000। बट हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। बट अभी तो हमारा क्रेडिट में वैल्यू ज़्यादा है, हमने डेबिट किया 50,000, क्रेडिट किया 60,000। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ से लेंगे, तो ये जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। जितने की हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, चेंज हो गई, चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने का हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मिल गया, उतना वहाँ से ले लेंगे। तो जो अमाउंट बच गया, जो डिफरेंस है, वो कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो आर रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम 10,000। सो हमने ये 10,000 कहाँ से ले लिए, रीवैल्यूएशन से। अब क्या करेंगे,
अब जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का वैल्यू होती है, बैलेंस होता है, उसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं या हम उसे किसे देते हैं, पार्टनर्स को। तो हम जो हमारी वैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। तो जो पार्टनर से चार्ज करेंगे तो इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 10,000। तो ये 10,000 हम किससे लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। किससे लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। लॉस है जब चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो फर्म को क्या होता है, लॉस। तो लॉस होगा तो हम किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो जब पार्टनर से लेंगे तो उनका बैलेंस क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स का होगा, ऑब्वियसली सेम ओल्ड पार्टनर्स। किसका अकाउंट अफेक्ट होगा, ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशो में होगा, जो ओल्ड रेशो होगी। हमें ओल्ड पार्टनर से चार्ज करना है, किस रेशो में चार्ज करना है, ओल्ड रेशो में। सो दीज 10,000 विल बी चार्ज फ्रॉम, लेट देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, सो दिस विल बी चार्ज फ्रॉम ए बी एंड सी इन देयर ओल्ड रेशो। तो जब हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है तो जो उसके तीन केसेस हो सकते हैं, चेंज इन वैल्यू इज लेस देन आई एफ आर, चेंज इन वैल्यू इज इक्वल टू आई एफ आर, चेंज इन वैल्यू इज ग्रेटर देन आई एफ आर। तो ये तीनों केसेस अब हमने कवर कर लिए। अब हमारा एक केस क्या हो सकता है, दैट आर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, दैट आर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी 1 लाख, सपोज मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,20,000। अब हमें इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक में कौन से रेट पर शो करना है, किस अमाउंट पर शो करना है, 1,20,000 पे। अब ये क्या, पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना होगा, 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे, 20,000 से। 1 लाख से तो पहले ही शो हो रही है। तो ये जो 20,000 है ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। क्या है, हमारा प्रॉफिट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पहले हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ से करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट्स। जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट उनको मिलेगा, उनको फायदा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट था यहाँ डेबिट हो गया, 20,000, 20,000। पार्टनर्स कैपिटल कौन सा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका हमें क्या करना है मैम, इसके अमाउंट तो हमारे पास 50,000 अभी की अभी पड़ी है, इसे भी तो खत्म करना है, इसे क्या करें हम। इसे भी क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि ये तो यहाँ यूज ही नहीं हुई, इट इज अनयूज्ड हेयर। ये तो अभी यूज ही नहीं हुई, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें लॉस थोड़ी हुआ, हमें तो प्रॉफिट हो गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो इट इज अनयूज, तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। और एंट्री क्या पास होगी, हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें खत्म करना है, तो क्या करेंगे, डेबिट। पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स को अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट 50,000, 50,000। किसको देना है ये भी हमें पता है, किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में देना है, ओल्ड रेशो में, टू ए बी सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पर हमारी कितनी एंट्रीज पास हुई, तीन, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हम यहाँ पर तीन एंट्रीज पास करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर क्या कवर किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर हमारे तीन केस थे, व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू,
मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। तो जब मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से लेस होगी तो हमारी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दैट चेंज इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चेंज इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड चेंज इन वैल्यू इज ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट्स, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।